जहां एक तरफ देश व प्रदेश में ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गोसाईगंज थाना क्षेत्र के वैधा गांव में कुछ अराजक तत्वों ने आधा दर्जन गौवंश को मौत के घाट उतारकर गांव में फेंक दिया, जिसको लेकर गांव में आक्रोश फैला हुआ है। आपको बता दें, अभी 4 दिन पहले ऐसी हरकत अराजक तत्वों ने की थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने गोसाईगंज थाने में की थी, लेकिन थाने के प्रभारी ने कार्यवाही करने के बजाय शव को दफनाकर मामले को शांत करवा दिया। लेकिन आज आधा दर्जन की संख्या में गौवंश को काटकर गांव के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर गांव में तनाव व्याप्त है। आपको बता दें, गोसाईगंज थाना क्षेत्र में मुस्लिम आबादी की संख्या अधिक होने के कारण अधिकतर गांवों में पशुओं की हत्या कर उनके मांस का धंधा करना वहां आम बात है, जिस पर जिला प्रशासन अधिकतर छापेमारी के अभियान चलाकर कार्यवाही करता है। लेकिन अराजक तत्वों के हौसले बुलंद होने के कारण उनके इस धंधे में कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन आज मामला कुछ और ही सामने आया है। वैधा गांव में आधा दर्जन से ज्यादा मवेशियों की मिलने से गांव में हड़कंप मच गया, तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को बोरे में इकट्ठा कर दफनाने के बाद कार्यवाही करने की बात पर ग्रामीणों के मन में फिर पुलिसिया कार्यशैली पर सवालिया निशान छोड़ा है। हम ये ग्राम वैधा से बोल रहे हैं और यहां पे 3 दिन पहले 3 गाय काटी हुई थी और 3 गाय हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन आया, प्रशासन ने ये कहा कि यह दफनवा दिया जाए, अब यह मामला यहीं पे दबा दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने कुछ मतलब एक बार हल्ला हुल्ला हुआ, हम लोग शोक मनाए, लेकिन बाद में हम लोगों ने दफना दिया। और आज के दिन यहाँ पे 9-6 गाय इधर है, 3 गाय उस तरफ है, 12 गाय आज मतलब 9 गाय आज काटी गई है। आज की डेट में 9 गाय यहाँ कटी हुई है और हम लोग बहुत शोक में है कि ये हमारे यहाँ रोज रोज का यही नियम हो गया है। हिंदू ब्राह्मण के गाँव में आके ये लोग गाय काट के चले जाते हैं, गाय फेंक के चले जाते हैं। किस गाँव के लोग हैं ये? अगल बगल के हैं, यही कहीं के अगल के बगल के, मगनगंज। तो कुछ पुलिस को आप लोगों ने सूचना दिया, कोई कार्यवाही नहीं की? कार्यवाही कुछ नहीं हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कभी ये होगा पकड़े जाएंगे, लेकिन हमें कुछ उम्मीद नहीं है प्रशासन से। हमें तो ये चाहिए कि किसी भी तरह इसकी मामले के तहत तक जांच हो और जांच होने के बाद जो भी इसमें पाए जाते हैं दोषी, उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। अब इसके पहले जब संज्ञान मामला आया है तो कई बार आप लोग देखे होंगे NSA तक की कार्रवाई हुई है, लेकिन यह बेशर्मी की हद है। कुछ अराजक तत्वों ने किया है, उनको जानकारी नहीं है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ हैं। उतनी ही सख्त कार्रवाई होगी जितनी उनकी कल्पना नहीं होगी। गौ माता का अपमान यह भारतवर्ष नहीं बर्दाश्त करता। वर्तमान सरकार का एक उद्देश्य है कि गौ सम्मान, गौ गुहार, चिड़िया गुहार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। अभी हम लोग उच्चाधिकारियों से बात करके पता करते हैं, ऐसा घिनौना कृत्य करने वालों पर NSA से कम कोई समझौता नहीं। अभी एक हफ्ते पहले या 3 दिन पहले सुनने में आया 3 गाय कटी थी, यहाँ के लोगों ने प्रशासन को कहा, लेकिन फिर भी कार्यवाही नहीं की। भी अपराधियों की खोज चल रही है बहुत तेजी से, पुलिस प्रशासन बहुत तेज लगा है। कुछ चीजें नहीं बताई जा सकती, हम लोगों के संज्ञान में है। सिविल पुलिस खोज रही है गौ हत्यारों को। गौ वंश हत्यारों के विरुद्ध पूरा प्रशासन मुस्तैद है। हाँ, यह कि चुप्पे से घटना करके भाग गए हैं, छिपे हैं, निश्चित गिरफ्तारी होगी, यह आश्वासन देते हैं। कठिन कार्रवाई होगी। इतनी मात्रा में गौ की हत्या? हाँ, यह बहुत दुखद हुआ है, हम सबको बहुत दुख है। हम ही सबके क्षेत्र में है, यहाँ पे राष्ट्रीय संघ के स्वयं सेवकों सहित भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग रहते हैं, जिनका उद्देश्य ही यही है कि गौ पालन, गौ सेवा। गौ के प्रमुख लोग हैं यहाँ पे, और भी हमारे सारे हैं, राजमणि जी सहित। लेकिन इतना कह सकते हैं कि गौ हत्यारे बक्से नहीं जाएंगे।